तो संभल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। संभल से जुड़ी हुई ये खबर अगली आपको हम बताने जा रहे हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। अब तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में भी संभल बवाल के कारण तलाशे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दो बड़े नेताओं को भड़काने पर ही बवाल हुआ है। केस में दोनों को नामजद किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। बर्क तुर्क बिरादरी से हैं और इकबाल महमूद पठान हैं। संभल में दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया और शहर के कुछ हलकों में भी चर्चा है कि पथराव करने वालों को दूसरे मोहल्ले से बुलाया गया था, जबकि मरने वाले सभी जामा मस्जिद के आसपास के रहने वाले हैं। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक मारे गए हैं। तो ये दावा मंत्री जी की ओर से किया गया। नितिन अग्रवाल का पोस्ट आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क और पठान विवाद ने शांति भंग की, आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए गए। तो मंत्री के दावे के बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या संभल हिंसा सुनियोजित थी? क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट चढ़ी चार जिंदगियां? क्या तुर्क और पठान की लड़ाई में संभल ने खूनी रंग लिया? क्या स्थानीय सांसद और विधायक में थी वर्चस्व की जंग? ये भी एक बड़ा सवाल। क्या तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से चार लोगों की जान गई? क्या तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई? सैफी और अंसारी पर भी गोली चलाई गई क्या? ये बड़े सवाल हैं। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्या कोशिश की गई? क्या वाकई तुर्क बनाम पठान की लड़ाई असली वजह है? क्या मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या क्या जानकारियां यहां पर निकल कर सामने आई? क्योंकि सवाल तो कई खड़े हो गए हैं और बताया जा रहा है कि तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई थी उसकी वजह से ये पत्थरबाजी हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संभल में जिस प्रकार से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, गाड़ियों को आग लगाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये कहीं ना कहीं प्लैंड हिंसा कही जा सकती है, तो गलत ना होगा। अगर इसे प्लैंड कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि संभल में वर्चस्व का खूनी खेल खेला गया और दो घंटे तक एक खूनी खेल चला गया जिसकी जिंदगी हो गई, जिसमें चारों की मौत हो गई। हालांकि इनके जिन लोगों ने इस कृत्य को किया उसके खिलाफ तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एफआईआर लिखी जा रही है, दबिशें हो रही है, मगर इन सबके बीच हिंसा की जो जड़ का कारण बताया जा रहा है वो तुर्क बड़ा था या पठान, यानी इसे अगर देसी भाषा में कहा मूछ की लड़ाई, यानी वर्चस्व की लड़ाई के चलते यहाँ के वर्तमान सांसद और विधायक में से कौन पावरफुल है, ये सबसे बड़ा एक इशू यहाँ उस वक्त प्रकट हो गया जब सर्वे होने लगा। बात सर्वे की थी मगर यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती, तुर्क बनाम ये पूरा खेल चलता रहा कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से मारे गए पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के जो समर्थक हैं, ये बताए जा रहे हैं, तुर्क सांसद के जो समर्थक हैं, चलाई गई गोली से दहशत बनाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि पठान सैफी अंसारी जो है उनके एक्विलेंट नहीं है। तमाम ऐसी चीजें अगर संभल में एक दूसरे को अपो डाउन करने की भी एक उस दौरान हुआ, यानी इस पूरे बवाल में वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर दिखने को मिल रही है। संभल में अगर कौन पावरफुल है, कौन किसके लोग ज्यादा है, कौन इस मस्जिद के सर्वे की आड़ में माइलेज ज्यादा लेगा, ऐसी तमाम चीजें सामने आई। देसी बनाम विदेशी की अगर जंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तुर्क बनाम पठान की ये लड़ाई, इसकी असल वजह अभी तक बताई जा रही है कि जिस प्रकार से फायरिंग हुई, इस फायरिंग में जो लोग मारे गए सभी विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं, जो वर्तमान यहाँ सदर का विधायक है इकबाल। और अब तक की जांच में जो पुष्टि हुई है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जिनके दो की पोस्टमार्टम यहाँ संभल में हुए और एक का मुरादाबाद में हुआ। इन सब में गोली से कहीं, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस की बुलेट इसमें नहीं है, ना तो पुलिस की पिस्टल्स का था, ना ही पुलिस के एम्यूनिशन को कोई ऐसी पुष्टि हो गई। इससे बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है, देसी बनाम विदेशी की पूरी लड़ाई है और ये ब्रांड गेम है। पूरे संभल को हिंसा में, हिंसा की तरफ बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया था और अपनी आपस की खुनस, अपनी आपस की रंजिश, अपनी आपस की खींचातानी के चलते ये चार जिंदगियां फिर चढ़ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।